हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम कैम्फर यानी कपूर से सोप बनाएंगे। सो बेसिकली ये सोप आपके एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करेगी ही, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देगी। ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन को कम्प्लीटली रिमूव कर आपके स्किन टोन को भी इवन बनाएगी। ये आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपके स्किन को डीप क्लेंस करेगी। ये आपकी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी। ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगी, प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट दिखाई देने लगेगी। तो आइए इस मैजिकल सोप को बनाना शुरू करते हैं। कैम्फर यानी कि कपूर सोप बनाने के लिए मैंने ये दो टुकड़े कपूर के लिए लिए हैं। ये दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं और ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे हाथों की हेल्प से इस तरह हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो क्योंकि कपूर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इसलिए आप इसे हाथों से ही इजीली मैश कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, मैंने कपूर को एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। कपूर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे एक्ने और पिम्पल्स को क्योर करता है और साथ ही साथ हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है और साथ ही हमारे स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारे स्किन को डीप क्लेंस भी करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल हमारी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल ऐड कर देंगे। विटामिन ई ऑयल हमारे स्किन पर ग्लो लाता है और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा कैम्फर का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। नेक्स्ट, मैंने 60 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट करेंगे। आप चाहें तो यह सोप बेस को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, उससे भी सोप बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट, सोप को सेट करने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का सोप मोल्ड लिया है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में उबाला जाएगा, हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे और इसमें कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यह सोप बेस को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि आपको इसको डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ये कैम्फर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि मिक्सचर डालने के बाद हमें इसे बहुत देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रखें कि इस स्टेप को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो ये मैंने मिक्सचर को सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लगभग 1 घंटे बाद मैंने मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, हमारी सोप कितनी स्मूथ बनी है और कितनी ईजिली बाहर निकल आई है। ये कैम्फर सोप आपके एक्ने और पिंपल्स को क्योर करेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देगी। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा और साथ ही आपको आपकी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सपल भी फील होने लगेगी। तो आप इस मैजिकल सोप को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।